करमटार के करमटार गंगा के जो प्रधान हैं इनके द्वारा जो काफ़ी सराहनीय काम किया गया है और इनकी देखरेख में जो है प्रतिदिन सफाईकर्मी के माध्यम से भी जो है यहाँ पे सफाई की पूरी व्यवस्था की जाती है और सैनिटाइजर भी पूरा कराते हैं और अपने अपने जो कर्तव्य के प्रति पूरे हर तरह से जो क्रमबद्ध भी हैं। तो आइए यहाँ के सफाईकर्मी से जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो है किस हिसाब से जो है यहाँ पे गाँव की साफ सफाई के प्रति क्या व्यवस्था इनकी रहती है। मैं विद्यानंद कुशवाहा विकास खंड बलोनी ग्राम पंचायत करमटार गंगा के सफाई कर्मचारी हैं और यहाँ पे जब से लोग प्रवासी लोग आ रहे हैं तब से हम लोग और प्रधान जी के द्वारा गांव के सहयोग के भी साथ साथ हम लोग का पूरा सहयोग रहा है सफाई के प्रति इन लोगों को समझाने के प्रति चाहे जो भी इन लोगों को व्यवस्था हो रहा है आज जितना हम लोगों से हो सकता है प्रधान के द्वारा ग्राम समाज के द्वारा हमारे सफाई कर्मचारी के द्वारा उतना हम लोग कर रहे हैं। इस कोरोना जैसे महामारी में जो है आप लोगों को कोरोना योद्धा के नाम से भी जो है पुकारा जा रहा है जी जी तो क्या इसके प्रति आप हर तरह से आप लोग जो है उस जो ये वर्ड कहा जा रहा है उसके प्रति आप लोग अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं? पूरी तरह से हम लोग जितना हो सकता है उतना निभा रहे हैं। कोई शिकायत का मौका हम लोग नहीं दे रहे हैं। कोई शिकायत करे कि नहीं हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था में गड़बड़ है हमारे यहाँ प्रवासी आए हमको कोई तकलीफ हो रहा है हमारे द्वारा सब कुछ हम लोग सुव्यवस्थित कर रहे हैं जितना सहयोग हो सकता है उतना हम लोग सहयोग कर रहे हैं। ओके डन। आप कहाँ के प्रधान हैं? करमटार गंगा के प्रधान। ये बताइए कि अभी तक आपके यहाँ कितने लोग क्वारंटाइन हो चुके हैं? हमारे यहाँ अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ है तब से करीब करीब 60 से 65 लोग क्वारंटाइन हो गए। 60 से 65 लोग हो चुके हैं जी। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने लोग हैं क्वारंटाइन आपके यहाँ? प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ अभी किसी तरह की कोई दिक्कत? अभी फिलहाल किसी प्रकार की ईश्वर के आशीर्वाद से अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो सामने नहीं आई है। गांव में सभी घर पे और जहाँ पे दोनों क्वारंटाइन है क्या वहाँ पे आपने सैनिटाइजर का छिड़काव कराया था? सैनिटाइजर का छिड़काव पूरे पंचायत में करा था और जो लोग अभी क्वारंटाइन होकर अपने घर गए उन लोगों के लिए राशन की व्यवस्था आपने कराई? जो लोग क्वारंटाइन करके घर चले गए उसमें से 60 से 65 लोग अब तक क्वारंटाइन हुए थे जिसमें उसके बाद शासन की तरफ से 10 लोगों तक का अब तक मिला है राशन मिला है। बाकी शेष लोगों को मतलब आगे बता रहे हैं कि अभी कब आ जाएगा कल आ जाएगा नाम आएगा तो मिला पैसा। प्रधान जी बताइए कि अभी आपके गाँव में क्या अभी कुछ लोग और भी आने वाले हैं क्या? हाँ करीब आज के डेट में करीब महाराष्ट्र से आने वाला है 10 से 12 जो वो लोग अपने साधन से टेम्पू वगैरह वहाँ चलाते हैं और वही चला के टेम्पू से ही आ रहे हैं। इस महामारी भरी दिग्विता में आप देश के लोगों को गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस विश्व जैसी महामारी को देखते हुए और विश्व इस महामारी पर काफ़ी चिंतित है हमें हमारी ग्राम पंचायत और हम ग्राम प्रधान राम समूह यादव हम लोग इसमें काफ़ी सतर्कता बरतते हैं और ईश्वर से एक कृपा करेंगे कि ये महामारी उसके बाद से बहुत जल्द से जल्द चली जाए और फिर भविष्य में कभी ना आए और कोसों दूर तक कह रहे। गांव के लोगों को क्या आप जो सुरक्षा के लिए निर्देश देना चाहेंगे? गांव के लोगों को सुरक्षा के लिए उसके बाद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हम सुबह शाम उसके बाद से देते हैं और फेरी वाले से उसके बाद से पलटते हैं उसके बाद से फेरी वाले को जो युवा के कहते हैं जो गाँव का चौकीदार होता है से कहते हैं कि भाई आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और इस महामारी में उसके बाद से सब लोग सारे लोग मिलकर सहयोग करिए। अलग अलग स्टेट से बहुत भारी संख्या में जो हर एक गांव में मजदूर लोग आ रहे हैं तो इस तरह की अवस्था में उनके सामने जो सबसे बड़ा जो रोजी रोटी का जो संकट आ रहा है तो उसके प्रति आप लोग जो है क्या भूमिका बना रहे हैं? उसके प्रति जैसे ग्राम पंचायत उसके बाद से सदैव तत्पर है और उसके जाते से जाते उसके बाद से जो जिस प्रकार का भी काम लेना चाहता है उसको भरपूर मात्रा में काम दिया जा रहा है। नाम बताइए अपना? छत्तू प्रसाद। आप कहाँ से आए हैं? बसई रोड से आए हैं। बसई रोड कहाँ पे है? मुंबई से। कितना दिन हो गया आपको? मेरे को 6 दिन हो गए। अभी आपको स्वास्थ्य से संबंध कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं दिक्कत नहीं है। आप लोग जब मुंबई से आए हैं तो किस तरह की दिक्कतों का आप सामना करते हुए आए? दिक्कत तो बहुत खाने पीने का दिक्कत हुआ और गाड़ी घुमा के जैसे निकला तो तुरंत
गुजरात होते हुए राजस्थान होते हुए दिल्ली, दिल्ली उसके बाद गाजियाबाद होते हुए आए, 4 दिन लगा। यहाँ पर आपको आने में 4 दिन लगा? 4 दिन लगा। खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं था, पानी बगैर परेशान हो गए हम। अभी तो मान लीजिए जैसे तैसे आप यहाँ पर आ गए, फिर अगर यहाँ पर गाँव में रह करके आपकी रोजगार की क्या व्यवस्था हो सकती है, आप कैसे आप लोग यहाँ अपने आप को जो है सेटिस्फाई करेंगे रोजगार से संबंधित घर का खर्च चलाने के लिए? अभी तो रोजगार तो कुछ भी नहीं है, अभी सरकार देखो क्या कर रही है। आप क्या आप अभी क्या करने का आप लोग सोच रहे हैं? अभी क्या करें, अभी रोजगार मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। तो घर का खर्च कैसे चलेगा जब मान लीजिए अपने यहाँ पर आ गया तो? देखेंगे अभी। जयचंद पासवान। नाम बताइए। जयचंद प्रसाद। कहाँ पे रहते थे आप? वसई, मुंबई। मुंबई में रहते थे? वसई। कितना दिन हुआ आपको आए हुए? वही हुआ 6 दिन हो गया। क्या करते थे वहाँ पर आप? वहाँ पे प्राइवेट नौकरी करते थे। प्राइवेट नौकरी करते थे? हाँ। अभी आपको स्वास्थ्य को एकदम संबंधित नहीं है? ये सब कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पूरा गांव की तरफ से सहयोग मिल रहा है? पूरा गांव की तरफ से सहयोग मिल रहा है, जो मिल रहा है वो ठीक ही मिल रहा है। वहाँ क्या बताइए अपना? कमलेश। आप क्या करते थे मुंबई में? मुंबई में ड्राइवरी करते थे। अभी बताइए कि यहाँ पर गांव में आप लोग आ गए हैं तो रोजगार की कोई व्यवस्था है, आपने सोचा कुछ वहाँ से चले यहाँ पर आप लोग तो कुछ सोचे आप लोग? फिलहाल तो हम लोग कुछ सोचे नहीं है, पर फिर भी अपना रोजी रोटी चलाने के लिए अपना किसानी गृहस्थी करेंगे। किसानी गृहस्थी करेंगे आप लोग? हाँ करेंगे, वही करेंगे। यानी तो सरकार से अगर सुविधा मिलती है तो और अच्छा है हमारे लिए। क्या उम्मीद है कि सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलेंगी आपको? जब सरकार इतना उम्मीद करके हम लोग को यहाँ तक बुला लिया, कुछ तो कुछ तो उम्मीद करेगा ही, आशा तो बना है हम लोगों को थोड़ा बहुत अगर मिल जाए तो और अच्छा है। सरकार की तरफ से आपको ये उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कुछ बेहतर आप लोगों के लिए किया जा सकता है? ऐसा उम्मीद है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर आए हुए हैं अपने गांव में, इन लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से जो भी कुछ सुविधाएं मिलेगी और हम ये लोग इस बात का जो है उम्मीद भी करते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ न कुछ सुविधाएं मिलेगी, सरकार जो करे कुछ बेहतरी करेगी इनके लिए। और